अब हम जा रहे हैं धारा पे। यहाँ पे बाघ भी आता है, जरा ध्यान से जाना पड़ेगा। सच में जंगल है, असली वाला जंगल, ये सच्ची वाला जंगल है हमारा। ये चलने का रास्ता बना रखा है, बहुत ऊपर भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये देखो इतने ज्यादा पेड़, ये पूरा जंगल है यहाँ पे। कहते हैं सामने बाघ भी आता है, और इधर तो लोगों ने देखा है कई बार बाघ। ये भाई वगैरह जा रहे हैं नीचे, ये देखो रास्ता का, ये सब सारा का सारा जंगल का एरिया, सारा जंगल है इधर, सारा जंगल। अब देख सकते हैं पगडंडिया बना रखे हैं लोगों ने चलने के लिए। हम लोग बस सब जा ही रहे हैं ना धारा के पास, धारा। ये देखो इधर कहते हैं यहाँ से जंगल में शेर हैं काफी सारे, और जानवर भी हैं, बंदर अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, बहुत मोटा बंदर था। और कहते हैं हिरन, सुअर, हाथी, बाघ सब यहाँ पे आते हैं। और थोड़े दिन पहले कहते हैं कोबरा भी देखा था, थोड़े टाइम पहले कोबरा ने किसी को काटा यहाँ पे गांव में। और हमारे तो शाम हो गई है काफ़ी, 4:30 बजे में, और हम पहुंच गए हैं शायद धारा के पास। आवाज़ें आ रही हैं, कुछ पानी की सी आवाज़ आ रही है। ये देखो पूरा जंगल है। अभी तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, भाई लोग आगे चले गए हैं शायद, और आगे हैं। आवाज़ तो आ रही है पानी की, शायद आसपास ही होगा कोई आ रहा है। देखें कितना खूबसूरत पत्थर है, शंकर ढलान। यहाँ पानी भरने आए लोग, पहुँच गए हम लोग। अच्छा ये तो बना रखा प्रॉपर ना, बना दिया अभी, पहले बहुत अच्छा बना दिया तुम। हाँ जब पहली बार आया तब नहीं था इतना, तो सीमेंट बना बने तो सब अच्छा लगा। ये है यहाँ पे पानी भरते हैं सबके साथ गाँव वाले। ये हमारा नतीजा प्राकृतिक पानी, शुद्ध शुद्ध। मैं सच में बहुत अच्छा है। पियो पियो साफ पानी मिलते, कंडाली वहाँ पे है, कंडाली तो बना सही से सम लाइक कंडाली का पेड़ रहा, कांटों से भरा हुआ इधर पूरा, ये सारे कंडाली के पेड़ रहे पूरे कांटों से भरा हुआ। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, इसके साथ क्या होता है, इसी के साथ इसका वो होता है तोड़ पौधा ना, लगभग इसके साथ ही लगा होता है। अगर ये गलती से लग जाए, देखिए
इसी के साथ कोई दूसरा पौधा होता वो लगा के कर दो तो ठीक हो जाता है। एक बार ये वो सामने लगी तो है ए टू जेड सारिया नीचे झाड़ी कंडालिया की। जब लग जाती ना तो इसे कहते नाक लगानी पड़ती है। नहीं इसी के साथ होता है ये भी ये नहीं है कंडाली। नहीं ये नहीं कंडाली की है ये तो पूरे कंडाली तो लगा सारी है। देखो ये देखिए ये रही हाँ ये सारी कंडाली के पेड़ ये वाली है इसमें कांटे कांटे होते हैं शायद इस डायरेक्शन में। ये नहीं यही होगा पता नहीं मेरे को अच्छे ढंग से याद नहीं है। पीपल का पेड़ इधर था उधर था मुझे अंदाजा है कि पेड़ के नीचे नहाए थे। ये है पीपल का पेड़ बहुत सालों से बहुत पुराना कम से कम 100 साल से ज़्यादा हो गए करीब करीब 100 साल पुराना 50 साल तो मुझे हो गए इसे देखते हुए। हमारे पिताजी भी बताते हैं उनके टाइम की बहुत बहुत पुराना पेड़ है देखा ना डाली चल ये को पपीता का पेड़ है। ये पपीता थोड़ी है। नहीं नहीं ये पागल है भाई जी अरंडी कहते हैं इसको जंगली पेड़ है। तेरे को अंदाजा ही नहीं पपीते का क्या होता है। अरे वो नीचे वाली बात कर रहा ना वो तेरा कौन सा वाला वो तेरा पपीता वो नहीं ये पपीता है नीचे वाला नहीं है ये सब यही है भाई। ये केले का पेड़ है पपीता तेरे को पता ही नहीं कौन सा वो तो पक्का केले का पेड़ है। अब तो वो तो केले एक और छोटी चीज बताता हूँ पपीते के तने में ना कभी इतनी सारी टहनियां नहीं निकलती है। बहुत ही कम मोटा सा तना होता है ऊपर जाके फैलता है। उसके पत्ते दिखाता हूँ मैं तेरे को भी कैसे हाँ ये पपीते का नहीं बता मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा और नीचे केले का पेड़ वहाँ पे दिखता है शेप वैसी है लेकिन अगर ध्यान से देखोगे वैसे बिल्कुल नहीं पपीते का पेड़। सोच अगर यहाँ से शेप आ गया तो ये सारा पानी नीचे जाके ना एक और डिग गया है सारा वहाँ भी इकट्ठा होता है बेमौत मारा जाएगा आगे और क्या करेगा। लेकिन वहाँ जाते नहीं वहाँ मना है बहुत वहाँ ज्यादा रहता वहाँ शेर का क्या है उसका हर जगह घूमता रहता है तो बोला ना घी कद्दू किसी का घर है तो कौन लगा फोटो लेगा दिख रहा है मैंने जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ऊपर थोड़ा पीपल देवता के पास कुछ सामान वामान रखा हुआ किसी ने विसर्जन का ना चलो नीचे चलो पता है मुझे है। मैं ठीक है मैं इस पहाड़ के पीछे को उस साइड को मारा इसी पहाड़ के पीछे ले अच्छा वापसी अब हम जा रहे हैं वापस। ये भीमल का पेड़ ये भीमल के पेड़ भीमल जिससे शैम्पू वगैरह बनाते हैं रस्सियाँ और जानवरों को नहलाने के लिए भी इनसे शैम्पू वगैरह बनाते हैं। शैम्पू नहीं रगड़ के नहलाते हैं लोग डंडियों से जानवर को।